पे आप देख सकते हैं ये सामान जो है लगे चल रहा है। इन्होंने किस तरह प्लास्टिक के जो डब्बों के अंदर या कवर के अंदर ये छोटे छोटे बैग्स रखे हुए हैं, ये इसलिए रखे हुए हैं कि अगर ट्रैवल से रिलेटेड तीन बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पहली जो अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप ट्रैवल करते हो एयरपोर्ट में, इंटरनेशनल बेसिकली अगर ट्रैवल हो और आप जाते हो एयरपोर्ट में या फिर फ्लाइट से ट्रैवल करते हो, तो आपके लिए कुछ गवर्नमेंट ने और बेसिकली एयरपोर्ट अथॉरिटी कस्टम डिपार्टमेंट ने एक वार्निंग जारी किया है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये पोस्ट किया है, बताया कि अगर आपके लगेज बैग से ये 8 सामान अगर निकल जाता है तो आपको वहाँ पर गिरफ्तारी हो जाएगी और आपको जेल जाना पड़ेगा। बहुत बड़ी अपडेट है, आठों सामान का आपको नाम बताने वाला हूँ। दूसरा भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जो भी ट्रैवल करते हो उनको पहले से जानकारी मिल सके, नहीं तो आप जाने के बाद आपको पता चलेगा तो फिर आप वहाँ पर मुसीबत में फंस सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ पहला अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, कल के न्यूज़ में भी मैंने आपको बताया था कि 100 ऐसे एजेंट को गिरफ्तार किया गया था जो अदर कंट्री में गलत पासपोर्ट और जो फॉल्स वीज़ा बनाकर भेजते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे थे, विदेश बसने के प्लान में थे, यानी विदेश भागने के प्लान में थे, तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना था, पहले क्या होता था कि अगर आप फॉल्स वीज़ा और पासपोर्ट लेकर जाते थे तो जो एजेंट को उतना वो लोग नहीं केयर करता था, जो लेकर जाता था उसको रूल भी यही कहता था कि जो लेकर जाओगे यानी आप फॉल्स वीज़ा और पासपोर्ट अगर लेकर जाते हो एयरपोर्ट के अंदर तो आपको गिरफ्तारी होती, यानी पैसेंजर को गिरफ्तारी होती थी। लेकिन अब एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि अब इसके लास्ट तक जाया जाएगा, यानी कौन सा ट्रैवल एजेंट इसको वीज़ा दिया है, टिकट दिया है, ये कहां से निकला है, उस तक जाया जाएगा। और जो भी एजेंट इस तरह का चीज़ कर रहे हैं इंडिया में भी या अदर कंट्री में भी चले गए हैं तो वहाँ से भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि अभी से भी जो ट्रैवल इस तरह का चीज़ करते हैं वो बाहर जा जाए, नहीं तो उनकी अब खैर नहीं। तो ये अच्छा अपडेट है क्योंकि पहले पैसेंजर पर यह सब चीज़ होता था, लेकिन अब क्या हो रही है कि इन लोगों को भी यानी एजेंट को भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा अपडेट लगा, अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो अपडेट है वो चेन्नई एयरपोर्ट से आ रही है और इसमें बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे गोल्ड है ना वो चेन्नई एयरपोर्ट से मतलब इंडिया में ये हो गया है, वो चला गया है, उसमें कोई चेकिंग यानी उसकी मिली भगत, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, कस्टम ऑफिसर है, उनके मिनी भगत के वजह से बहुत सारे गोल्ड अदर कंट्रीज आई है इंडिया में और वहाँ पे विदाउट कस्टम ड्यूटी पे किया हुआ, तो अब उस पर उन लोगों पर जांच का ख़तरा मंडरा रहा है। और जो भी इसमें अगर शामिल होंगे, जो चेक करने वाले होते हैं या फिर जो कस्टम ऑफिसर हैं, उनको भी अब खैर नहीं, और अगर वो इसमें अगर गुनाहगार पाए जाते हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी। लास्ट जो अपडेट है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि 8 ऐसे सामान है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आप लोगों के लिए ये अवेयर किया और बताया कि अगर आपके लगेज बैग से या फिर आप इसे कैरी करते हो तो आपको एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी हो सकती है। पहले जैसा मैं आपको स्क्रीनशॉट पर भी बारी बारी से आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, ये अपने सोशल मीडिया पर ये चीज़ को डाला गया है। जैसा कि आप पोस्ट में देख सकते हो इसमें बताया गया है कि फ़्लाइट का जो क्षतिग्रस्त कुछ भी अगर आप दस्तावेज लेके जाते हैं, कुछ पेपर वगैरह, उसके लिए आपको गिरफ्तारी हो सकती है। अश्लील तस्वीर है उसके लिए गिरफ्तारी हो सकती है। आधुनिक मात्रा मतलब ज़्यादा मात्रा में नकदी अगर आप लेकर जाते हो, पैसे, उसके लिए गिरफ्तारी हो सकती है। जो प्रतिबंधित दवा है उसके लिए गिरफ्तारी हो सकती है। और पौधा आप लेकर नहीं जा सकते, पेड़ पौधे, जानवर, विस्फोटक वस्तु, इस 8 सामान के बारे में बेसिकली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वार्निंग दी है। और इसका लाजिम ख्याल रखें ट्रैवल करने से पहले, इसके लिए मैं स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इसे बचें।